आज हम 5G के बारे में बात करेंगे, जिसके डेटा को कैसे हम यूज करते हैं, उसकी कैसे कैपेसिटी इम्प्रूव्ड हो जाएगी काम की, और हम कैसे फैक्ट्रीज में उसको यूज करेंगे, उसको हेल्थ केयर में कैसे यूज करेंगे, उसको रोड और माइंस में कैसे यूज करेंगे, और इससे कैसे आपकी हर चीज इम्प्रूव हो जाएगी, बिजनेस इम्प्रूव हो जाएगा, और किस किस कैपेसिटी का 5G आ गया है, इसको कैसे हम यूज करेंगे, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बताएंगे। जबकि सबसे पहले IoT आया था, फिर 4G आया और फिर 5G आया। तो टोटली वी विल डिस्कस हियर द 5G, सो लेट्स कम एंड एंजॉय द 5G। 5G जो है वो उसके बारे में समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग 5G द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल इंटरनेट, इंडस्ट्रीज के लिए बैकबोन साबित होगा। द ईयर 2009 विल बी रिकमेंडेड एज द ईयर दैट ट्रू सेलुलर कनेक्टिविटी फॉर द इंटरनेट ऑफ थिंग। 2019 इंटरनेट ऑफ थिंग के लिए जाना जाता था, जिसको कनेक्टिविटी जो चीज़ों को दी गई। सेकेंड, फिर देन न्यू अनाउंसमेंट ऑफ न्यू 4G NB-IoT LTE-M नेटवर्क रोल आउट। उसके बाद 4G आया, फिर 5G आ गया। अब ये द फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्रीज ऑलरेडी रेसिंग टूवर्ड द 5th जनरेशन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। द 5G प्रोमिसेज लाइटनिंग फास्ट स्पीड, उसकी स्पीड बहुत अधिक है। बेयरली नोटिसेबल लेटेंसी और कम्युनिकेशन रिस्पॉन्स टाइम एंड वास्टली इंक्रीज द कैपेसिटी। अब इसमें कम्युनिकेशन टाइम बहुत कम है और इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। वाइल 4G इज ऑलरेडी क्रिएटिंग ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट फॉर इंडस्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, इट्स 5G दैट क्रिएटिंग द ग्रेटर बज। 4G ने इंडस्ट्रीज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन 5G इससे भी अच्छा है। डेटा अलोन इज नॉट इनफ, लोग डेटा तो इकट्ठा कर लेते हैं, उसका यूज नहीं आता है। एवरी वन इज ऑलरेडी कलेक्टिंग एंड टू सर्टेन एक्सटेंट यूजिंग डेटा, बट इम्प्रूव कनेक्टिविटी इज नीडेड टू ट्रूली यूटिलाइज द डेटा एंड ऐड बिजनेस वैल्यू। वेन वी एड मोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वॉइस इमेजेस रिकग्निशन इंटू एवरी डे सिस्टम, द बैंड विथ रिक्वायरमेंट मीन्स 5G इज इनएविटेबल टू लेवरेज द न्यू कैपेबिलिटी। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और वॉइस इमेज रिकग्निशन को यूज करते हैं, तो उस समय हमको हाई स्पीड डेटा चाहिए होता है, जिसकी ये हम 5G को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और जो डेटा हमने कलेक्ट किया, उसको अगर अच्छे से यूज़ करना है, तो 5G का यूज़ ज़रूरी है। बियॉन्ड इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट, यू कैन मूव द 4G टू 5G, इट्स नियरली अबाउट द इंक्रीमेंटल स्पीड इम्प्रूवमेंट। अगर आप 4G से 5G पे जाते हैं, तो आपका स्पीड इम्प्रूव हो जाएगा। इट्स ट्रू दैट 5G ड्रामेटिक स्पीड इंक्रीजेज विल मीन सो मच मोर then just higher quality streaming, lightning quick download, the fact that it's been designed from the ground up or data connectivity will be the game changer। और अगर आप 5G यूज करते हैं, तो आपकी स्ट्रीमिंग अच्छी हो जाएगी, आपके डाउनलोड अच्छा हो जाएगा, आपके डिजाइनिंग जितने भी काम है वो अच्छे हो जाएंगे, जिससे कि आपका कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, टेकिंग द कनेक्टेड फैक्ट्री टू द नेक्स्ट लेवल। अब फैक्ट्रीज में इसको यूज किया जाएगा, तो फैक्ट्रीज का परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। इन मार्केट द हायर स्पीड एंड लो लेटेंसी ऑफ 5G इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ ऑटोनोमस रोबोटिक टेक्नोलॉजी, वेयरेबल्स एंड वर्चुअल रियलिटी। अब ज़्यादातर फैक्ट्रीज में रोबोट्स यूज होते हैं, जिनके लिए स्पीड चाहिए होती है, जिससे ऑटोमेटिक काम होता रहे, और उसके लिए अगर 5G हम यूज करते हैं, तो बट नेचुरल कि फैक्ट्रीज जो है वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगी। द इंक्रीजिंग कैपेबिलिटी ऑफ स्मार्ट डिवाइस एंड द फैक्ट्रीज, दैट मीन्स दे वोंट जस्ट इम्पैक्ट ऑन कॉम्पिटिशन विद इन अ सेट इंडस्ट्री, एज कॉम्पिटिशन शिफ्टेड फ्रॉम प्रोडक्ट बेस्ड टू सिस्टम बेस्ड। और उससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट बेस्ड जो सिस्टम था, वो प्रोडक्ट बेस्ड जो काम हो रहा था, वो सिस्टम बेस्ड होने लगेगा, ऑटोमेटिकली होने लगेगा। हेल्थ केयर, एनेबलिंग रिमोट सर्जरी, द लो लेटेंसी ऑफ 5G इज सेट टू रिवोल्यूशनलाइज द हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, मोस्ट नोटेबली इन द ऑपरेटिंग थिएटर एक्सपीरियंस सर्जन्स कैन एडवाइज मोर जूनियर कोलीग्स
वाया वीडियो कनेक्शन और कुड इवन ऑपरेट द सर्जिकल डिवाइस रिमोटली। अब अगर आपका 5G कनेक्शन होगा तो सर्जन लोग अपने जूनियर्स को रिमोट में बैठे सर्जरी कर करके दिखा के उनको सिखा सकेंगे, जिससे कि ज़्यादा एफिशिएंट चीज़ें सीख पाएगा कोई। ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी ऑन द रोड एंड अंडरग्राउंड, दिस शुड ईज द सेफ्टी कनेक्शन ऑफ ऑटोनोमस व्हीकल, प्रोवाइडिंग देम द एबिलिटी टू कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट विद द एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट अराउंड देम। दिस ऑफ कोर्स विल हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन माइनिंग ऑपरेशन। अब आपके जो ऑटोमेटिक चलने वाली गाड़ियां हैं, व्हीकल हैं, वो कैसे काम कर रही हैं, उसके लिए आपको 5G इंटरनेट अगर होगा तो आप उससे कम्युनिकेट ईजिली कर पाएंगे, अदरवाइज कनेक्शन कट हो गया तो आप ऑटोनोमस गाड़ी को नहीं चला पाएंगे। और माइनिंग में भी आपके 5G अगर होगा तो आपका कनेक्शन ऑपरेशन बना रहेगा और लोगों से कनेक्शन रहेगा। LTE stand for long term evolution and isn't as much as technology as it is the path followed to achieve a 4G speed customer demand is there and hardware can easily be upgraded to 5G when the time comes। अब LTE जो है इसीलिए लोग 4G से 5G की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि उससे आप मच बेटर इंटरनेट को यूज कर अपने कम्युनिकेशन अपने वर्किंग को इम्प्रूव कर पाएगा। इम्प्रूव कनेक्टिविटी इज नीडेड ट्रूली यूटिलाइज द डेटा एंड ऐड बिजनेस वैल्यू। जब आपकी 5G आ जाएगी तो आप अच्छे से अपने डेटा को यूटिलाइज कर पाइएगा, जिससे आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि आप अच्छे से काम कर पाइएगा। प्रोजेक्ट एरियाज इंक्लूड इंटेलिजेंस कंस्ट्रक्शन साइट एनर्जी यूजेज ऑप्टिमाइज इन स्मार्ट बिल्डिंग ऑप्टिमाइजेशन इन स्मार्ट बिल्डिंग। इंटेलिजेंस कंस्ट्रक्शन साइट पे भी आपको फायदा होगा, जिसमें एनर्जी यूजेज ऑप्टिमाइज इन स्मार्ट बिल्डिंग। स्मार्ट बिल्डिंग में एनर्जी को प्रॉपर वे से यूटिलाइज किया जा सकेगा। एंड द फैक्ट्री ऑफ द फ्यूचर, और फ्यूचर की फैक्ट्री में भी 5G मीट्स इंडस्ट्रियल इंटरनेट। Project looks at how to provide a cost-effective, globally secure and secure foundation for the future 5G-driven industrial internet। अब आगे देखा जा रहा कि कैसे इंडस्ट्रीज और लोगों को ये सिक्योर ग्लोबली प्रोवाइड किया गया 5G। The journey to 5G, 2G enabled wireless telephone calls। पहले आया 2G जिसने वायरलेस टेलीफोन कॉल्स को अनेबल किया। 3G आया जिसने मोबाइल वेब को अनेबल किया। 4G आया अनेबल वीडियो स्ट्रीमिंग एंड एप्स दैट रिक्वायर सस्टेनेबल सस्टेन्ड कनेक्टिविटी। अब वीडियो स्ट्रीमिंग और एप्स के रिक्वायरमेंट के लिए 4G आया। 5G द पोस्ट स्मार्टफोन एरा ऑफ मोबाइल कनेक्टिविटी। अब ये मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए 5G को यूज़ कर रहा है। तो इस तरह से धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती गई और 5th generation में अब मोबाइल टू मोबाइल कनेक्शन ईजी हो गया। द बैकबोन ऑफ द 5G स्टैंड्स इन कॉम्प्रोमाइज ऑफ लो मिड एंड हाई बैंड स्पेक्ट्रम। इसमें लो मिड और हाई बैंड स्पेक्ट्रम आता है बैकबोन ऑफ द 5G में। स्टैंडर्ड जो है, देयर आर टू फ्रीक्वेंसी दैट 5G नेटवर्क कैन ऑपरेट ऑन, सब 6 GHz और मिलीमीटर वेव्स 20-60 GHz। तो 5G में भी दो तरह के हैं, सब 6 GHz और मिलीमीटर वेव 20-60 GHz। कैरियर्स वर ऑलरेडी यूजिंग सब 6 स्पेक्ट्रम फॉर एग्जिस्टिंग LTE नेटवर्क एंड नाउ दे नीड मोर टू बी मोर ऑफ इट्स टू बिल्ड आउट 5G। सब 6 ऑलरेडी यूज हो रहा है और अब आगे और इम्प्रूव वर्जन लोग यूज करेंगे। मिलीमीटर्स वेव फ्रीक्वेंसी वॉज प्रीवियसली अनयूज्ड एंड एडवेंट ऑफ 5G हैज गिवन कैरियर्स एक्सेस टू द स्पेक्ट्रम दैट विल अनेबल द फास्टर स्पीड वी एक्सपेक्ट विद द न्यू स्टैंडर्ड। जब ये आएगा तो एक नया स्टैंडर्ड कायम करेगा और स्पीड को और बढ़ाएगा। सो दिस इज ऑल टूडे व्यूअर्स, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर द चैनल और वीडियो। People only run the video and never subscribe and never like, never comment। क्या समझ में आया क्या नहीं आया आप लोग please comment में लिखा कीजिए, जिससे कि हम और improve version का software video बना सकें।
और आप लोग उसको एंजॉय कर सकें। थैंक यू व्यूवर्स, और मेरे सारे सोशल मीडिया को आप लोग फॉलो करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको लोगों से हेल्प मिलेगी। थैंक यू।